जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम आपको फिजिक्स में प्रत्यावर्ती धारा तो आपको पढ़ा ही रहे हैं और उसके आगे अब एक डालो हेडिंग प्रत्यावर्ती वोल्टेज है। डालो हेडिंग आप लोग प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ये डालो हेडिंग प्रत्यावर्ती वोल्टेज। ठीक है, डालिए हेडिंग, ठीक दिखना प्रारंभ करिएगा आप लोग। ऐसा वोल्टेज जिसका परमाणु व दिशा समय के साथ बदले तथा एक निश्चित समय के पश्चात उसी दिशा में उसी परमाणु के साथ उसकी पुनरावृत्ति हो प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, जैसे हमने जो है देखो एक्चुअली जो हमारा ये प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज है ये हमें जो है प्रत्यावर्ती वोल्टेज हमें जो मिलता है आपका जब प्रेरित विद्युत वाहक बल से प्राप्त होता है ना। जब कोई कुंडली जो है चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है तो उसका मान पहले आधे चक्र में न्यूनतम से अधिकतम, फिर अधिकतम से न्यूनतम, पहले आधे चक्र में, फिर पुनः दूसरी ओर है ना, कुंडली जब घूमती है तो पुनः उसके दूसरी ओर, ठीक पहले जो है आपका प्रत्यावर्ती ये कहेंगे आप लोग प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज जो है इसके लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, ठीक है, एक बार जो है फिर न्यूनतम होता है फिर अधिकतम होता है। इस प्रकार से यदि हम इसको किसी पर्पस से जोड़ दें, यानी इसको जो कुंडली बार बार घूम रही है इससे यदि हम किसी पर्पस से जोड़ दें तो यही आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल ही प्रत्यावर्ती वोल्टेज बन जाता है। यानी हमने इससे पहले आपको समीकरण लिखाया था पिछले वीडियो में ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये समीकरण था हमारा प्रेरित विद्युत वाहक। जब कोई कुंडली जो है किसी चुंबकीय क्षेत्र अटका दी जाती है तो जो है एक प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है, ठीक है ना, ठीक इसी को हम लोग प्रत्यावर्ती वोल्टेज भी कहते हैं। ठीक, अब हमने जो है इसी कुंडली को जो है चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया तो एक और पहले आधे चक्र में एक बार इसका मान अधिकतम होता है और एक बार इसका मान न्यूनतम होता है, फिर दूसरी ओर पुनः आधे चक्र में, ठीक इसका एक बार मान न्यूनतम होता है एक बार अधिकतम होता है। यदि कुंडली को हम किसी पर्पस से जोड़ दें तो यही प्रेरित विद्युत वाहक बल पर्पत के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बताता है। तो इसीलिए हमने जो है कल हमने आपको या पिछले वीडियो में आपको स्थित कराया था प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर ई साइन ओमेगा टी,
इसी प्रेरित विद्युत भाग बल के कारण हमारा जो है कुंडली जो होती है, इस कुंडली में एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज पैदा हो जाता है, वो क्या होता है, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा। वी नॉट क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अधिकतम, ठीक है, और वी क्या है, पर्वत का वोल्टेज, ठीक। अब देखो नेक्स्ट डालो हेडिंग आप लोग, प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा का समय के साथ ग्राफ। प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा का समय के साथ ग्राफ। तो सबसे पहले आप लोग डाल लो हेडिंग प्रत्यावर्ती धारा, क्योंकि वोल्टेज कर चुके पहले हम, अब डाल लो हेडिंग प्रत्यावर्ती धारा। देखो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कारण, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कारण परपथ में जो धारा प्रवाहित होती है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कारण परपथ में जो धारा प्रवाहित होती है वह है निरंतर शून्य व महत्तम के बीच बदलती रहती है तथा कुंडली के पहले आधे चक्कर में एक दिशा में तथा कुंडली के पहले आधे चक्कर में एक दिशा में तथा दूसरे आधे चक्कर में विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। इस प्रकार की धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक, इस प्रत्यावर्ती धारा का भी समीकरण प्रत्यावर्ती वोल्टेज के समान होता है। जैसे प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण क्या था, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा t, इसी प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा का भी समीकरण होता है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा t, ठीक। जहां I नॉट क्या है, जहां I नॉट जो है प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान है, ठीक है, I नॉट क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का एक अधिकतम मान है, ठीक है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका ग्राफ बताएंगे, ठीक है ना, अभी इसका ग्राफ रह गया है, हेडिंग में आप ग्राफ बताया था, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका ग्राफ बताएंगे।